नमस्कार अदाब अकाल एंड केम शो वेलकम टू आर ओन दैट इज केमिस्ट्री बाय सलोनी सिंह माई सेल्फ योर मेंटोर सलोनी सिंह की हाल चाल बच्चा लोग कैसे हैं आप सब येस yes, मैं जानती हूं कि आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि नीट का रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब स्टार्ट होगा और नीट का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा चाहे वो मेरे ड्रॉपर के बच्चे हो चाहे वो अभी रिसेंट ट्वेल्थ वाले बच्चे हो हर बच्चा रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ओपन होने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है इतना सारा कंटेंट और अनवांटेड इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको यह बताना हंड्रेड परसेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि बेटा रजिस्ट्रेशन पोर्टल अब तक ओपन नहीं हुआ है जितने भी मीडिया फॉर्म्स हैं दे आर क्लेमिंग वीक में आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ओपन होने के चांसेस हैं कहीं पर भी कंफर्म क्लेम्ड नहीं किया गया है इसीलिए इस न्यूज से जरा साइड हट करते हुए जो जरूरी इंफॉर्मेशन है उस पर थोड़ा ध्यान लगाते हैं अगर रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपका ओपन हो भी जाता है तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए रेडी रखने चाहिए ताकि आप उस टाइम पे इन डॉक्यूमेंट्स को इन पेपर्स को अरेंज करने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे पीडीएफ कन्वर्टर वाइट बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड के और ये सारी चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन को इतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है इसीलिए मैंने आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन एकदम सिंपल कर दिया है कि किन चीज़ों की जरूरत है एक पेपर पे जॉट डाउन कर लीजिए फटाफट से यहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं कि किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और इन डॉक्यूमेंट्स का पी मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूँगी तो आपको क्या करना है नीचे दिए हुए गए टेलीग्राम लिंक को फॉलो कर लेना है वहां पर आपको सारी अपडेट्स नीट रिलेटेड भी मिलती जाएगी बच्चों जिस तरीके से हमने बोर्ड के लिए प्रिपेयर किया है तो सबसे पहला है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 10 टू 200 हंड्रेड के भी का होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका लेटेस्ट होना चाहिए जो आपने रीसेंट यानी कि 2023 ट्वेंटी फर्स्ट जैन के बाद खिंचाई हो और साथ ही साथ वो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड के अलावा बेटा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर और वो है डियर स्टूडेंट्स आपको जिस दिन वो खींची गई है उस दिन का डेट एंड अपना नेम मेंशन करना है उस फोटो के नीचे ठीक है तो ये चीज़ें होनी चाहिए एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ में के भी का ध्यान रखिएगा अक्सर बच्चे यहीं उलझ कर रह जाते हैं दूसरा है पोस्ट कार्ड फ़ोटो करेक्ट पोस्ट कार्ड साइज़ की फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत होगी फोर बाई सिक्स का फोटो करवाना होगा आपको इसे भी आपको किस पे चाहिए आ, ये भी आपका लेटेस्ट होना चाहिए इंस्ट्रक्शन सेम है वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए एंड उसके ऊपर भी डेट जिस दिन ये फोटो खींची गई है और नेम मेंशन करना है डेट में डेट ऑफ बर्थ नहीं जिस दिन डेट वो डेट लिखनी है जिस दिन आपकी फ़ोटो क्लिक की गई है ठीक है और इसका भी साइज़ जब आप अपलोड करते हैं तो टेन टू टू हंड्रेड के बी के बीच में होना चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए ये दोनों हंड्रेड परसेंट कम्पल्सरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बाद तीसरे डॉक्यूमेंट पर आते हैं ये तीनों चीज़ें हंड्रेड परसेंट कंपल्सरी है बाकी आगे के जो डॉक्यूमेंट्स बताऊँगी वो लोगों के लिए ऑप्शनल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन टू विच कैटेगरी यू बिलोंग तो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है लेफ्ट हैंड का थम इम्प्रेशन ठीक है आपका लेफ्ट हैंड है आपके पास इंक का जो पैड आता है उस पर थम इम्प्रेशन एक वाइट पेपर पे ले लीजिए तो ब्लू इंक से ब्लू इंक से वाइट पेपर पे आपको थम इम्प्रेशन लेना है और आपको फिंगर्स के भी इम्प्रेशन लेने हैं और ये जो भी इमेज होगी उसकी भी साइज 10 टू 200 हंड्रेड के बी के बीच में आपको रखनी है अपलोड करते वक्त ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्लास टेंथ है ना बच्चों आपको क्या करना है क्लास टेंथ का पासिंग सर्टिफिकेट रेडी रखना है आपका क्लास टेंथ का पासिंग सर्टिफिकेट अब अगर देखो क्या होता है कई बार आप स्कूल से जो भी सर्टिफिकेट लाते हो तो एक रिजल्ट का सर्टिफिकेट होता है और एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है मोस्टली आपको पासिंग सर्टिफिकेट अलग से दिया जाता है अपार्ट फ्रॉम द सर्टिफिकेट अपार्ट फ्रॉम द रिजल्ट वाला जो पेपर होता है उसके अलावा एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है अगर वो आपके पास नहीं है या आपको स्कूल में प्रोवाइड नहीं किया गया है तो गो फॉर योर पासिंग सर्टिफिकेट विच इज़ इन साइड योर रिजल्ट इट सेल्फ ठीक है तो भाई पासिंग सर्टिफिकेट को भी आपको रेडी रखना है फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड के बी के बीच में होना चाहिए ये भी फिफ्थ है बेटा कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी को स्पेसिफिकली बिलोंग करते हैं जैसे कि एस सी एस टी देन ओ बी सी या फिर आर डब्ल्यू एस है ना? तो आर डब्ल्यू एस कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हैं बेटा तो इन सारे बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है बट ड्यूरिंग काउंसिलिंग या जब आपको सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस चालू होती है उस टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ती है तो तब तक के लिए अगर आपके पास नहीं है तो इसके लिए अप्लाई करना शुरू कर दीजिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके अंदर ही एक अंडरटेकिंग होगी अंडरटेकिंग के अंदर आप मेंशन कर दीजिएगा और Uh, कि आप किस पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और फिर अंडरटेकिंग जैसे ही आप कर देंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर है तो अपलोड करिए नहीं है तो अंडरटेकिंग फिल करिए और काउंसिलिंग uh, तक बनवा लीजिए ठीक है एंड नेक्स्ट है सिटीजनशिप सिटीजनशिप सर्टिफिकेट तो अगर कोई बच्चा एन है क्योंकि uh, काफ़ी बच्चों से मैं मिली हूँ जो एन हैं स्पेशली जो ये कोविड वाला कंडीशन हो उसके बाद कई बच्चे वापस इंडिया आकर और नीट देने के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो ऐसे बच्चे जो एन हैं वो सिटीज़नशिप सर्टिफिकेट को भी रेडी कर ले 50 टू 300 हंड्रेड का साइज होना चाहिए उसे अपलोड करने के लिए एंड लास्ट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग तो अपना एक परफेक्ट ई मेल आई डी विथ पासवर्ड आपके पास होना चाहिए बींग अ ट्वेल्थ और अ ट्वेल्थ पास आउट स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है कि एक फिक्सड ई मेल आई डी आपको पता हो उसका पासवर्ड पता हो टेंथ एंड ट्वेल्थ की डिटेल्स आपको अच्छे से फिल करनी है आधार कार्ड का नंबर अच्छे से फिल करना है इनमें मिस्टेक्स नहीं करनी है हालांकि करेक्शन विंडो ओपन होता है बट आपकी ही इंफॉर्मेशन है तो आप गलत क्यों भरेंगे तो पहली ही बार में चीजों को अच्छे से फिल आउट करिएगा डॉक्यूमेंटेशन नीड सिक्स फोर नीड का पासिंग सर्टिफिकेट एंड यहां पर आ गया थम इंप्रेशन लेफ्ट हैंड एंड फिंगर इंप्रेशन उसके अलावा बाकी कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई वो डिपेंड करती है कि आप एनआरआई है या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उस सिचुएशन में आप ये चीज़ कर सकते हैं ठीक है बेटा तो आई होप डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ें आपको एब्सोल्यूटली क्लियर हो गई है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस और ऐसी न्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए आपको आपके ही टीचर्स वो सारी चीज़ें अपडेट कर देंगे जहाँ से भी पढ़ रहे हो जो भी टीचर है या कंसिडरिंग मी ऑल्सो एज मेंटोर आई विल अपडेट यू द डेट्स और आप तब अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लीजिए कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं होने वाला है पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू जो है शांति से पढ़ो फालतू की वीडियोस पर ध्यान मत दीजिए पालतू की वीडियोस आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करेंगी और वो एक या दो घंटे के लिए नहीं तीन चार घंटे के लिए सात मिनट में आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है वो मैंने मेक श्योर sure किया है ताकि आप डी रेल ना हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर सो दैट वॉज इट माई डियर स्टूडेंट्स आई होप यू लाइक डिट एंड थैंक यू सो मच कीप स्टडिंग लाइक दैट ऑल द बेस्ट बाय टेक केयर सी यू लव यू ऑल